इतना आलीशान बंगला मेम साहब पहले यहाँ कभी आए का ही नहीं। लगता बिजली नहीं है क्या? कहीं फ्यूज भी तो कटा हो सकता है। नहीं, सब तो बराबर है। अंदर क्या क्या है? लगता है सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। पता नहीं कब से सुनसान पड़ा है ये बंगला। क्या मुसीबत है, अब इस घर की सफाई जो है इसे टॉर्च की रोशनी से करनी पड़ेगी। चलो भाई, सफाई तो हो गई और देह भी चूर हो गया, अब थोड़ा से टॉनिक का सेवन जो है जरूरी है। चलो, ये भी थोड़ा बचा हुआ है, इसको बैठ चांदनी रात। अरे खुलना, अरे फोन को भी इसी टाइम बज। हेलो, अरे रेनू बिटिया, हाँ 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 पहुंच गए थे। हाँ हाँ, पूरा साफ सफाई किया है, मगर यहाँ तो बहुत गंदा था, बिजली बत्ती भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जब आओगी ना अपने दोस्तों के साथ तो तुमको पूरा चकाचक। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा बाय बाय बाय। अच्छा ठीक है ठीक है। पानी कहां से आ गया? कहीं छत नहीं टपक रहा है? ठीक है, यहां भी पानी। पानी आ कहां से रहा है? अच्छा वाह, तो उल्टा मामला हो गया। फिर ये है क्या? बेबी ने तो कुआं के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अरे कुआं देख के तो हमको गांव की याद आ गई। हमारा तो पूरा बचपन बीता है कुआं के सामने। कितना नहाए, कितना खेले। अरे वाह, ये है ना शीतल जल। अरे इसमें इसमें तो कोई हिल रहा है। कौन है? हो गया ना सत्यानाश, इसको भी ससुरी अभी गिरना था। अरे मेरी जान, कितने अच्छी तरह से तैर रही है, मगर हम ऐसे तैरने नहीं देंगे।
हम आएंगे तुमको लेने। खैरा हम आ रहे हैं जाने मन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा। ठहरो ठहरो, तुम ठहरो और हम जाएं। अरे रेनु बिटिया कहा भेज दिया? अरे रुक जा, वही रुकना, वही रुकना, जाना नहीं, रुकना। बहुत लकी है यार, जो तेरी मॉम ने तेरे लिए इतना अच्छा बंगला बना कर रखा है। ये बंगला मेरी माँ का नहीं है, बल्कि मेरी माँ की माँ की माँ का है। यानी मेरी नानी की नानी का ये बंगला है। जब तक माँ जिंदा थी तब तक वो मुझे यहाँ नहीं आने देती थी। पिछले हफ्ते मेरी माँ की बरसी थी, तभी मुझे इस जगह के बारे में ख्याल आया। लेकिन पता नहीं क्यों माँ ने मुझसे कभी इस बंगले के बारे में बात ही नहीं की। ये लीजिए रेनू जी, आपके दिल का टुकड़ा, जिसे आप गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम लोग लगेज क्यों उठा रहे हो? चंद्रकांत है ना? चंद्रकांत। ये बेल काम तो करती है ना? हाँ बेल काम तो कर रही है, लेकिन ये चंद्रकांत कहाँ रह गया? बेचारा कल रात से काम कर रहा होगा, थक गया होगा। तुम्हारे पास दूसरी चाबी नहीं है क्या इस बंगलो की? दूसरी चाबी है मेरे पास, तो शुभका में देरी कैसी? खोलो दरवाजा। ठीक है। वाह, इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच रेनू हमें यहाँ लाने के लिए। लाती कैसे नहीं, कोई होना भी तो चाहिए इसकी वॉयलिन सुनने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तुम दोनों की तरह मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं? हाँ ज्योति, मेरा कहने का मतलब ये है, एक चंद्रकांत तो था बेचारा जो उसकी वॉयलिन सुनता था, लेकिन अब तो वो भी गायब है। ये चंद्रकांत, एक काम करो, उसके फोन पर ट्राई करो ना। हाँ गुड आइडिया। चंद्रकांत जी का फोन तो यहाँ पर पड़ा है। ये मोबाइल यहाँ रख के गया है और ठीक से सफाई भी नहीं की है। गाइस डोंट पैनिक, मैं चंद्रकांत को ढूंढ के आता हूँ, शायद कहीं बाहर गया होगा। ज्योति मैं जाऊँ? थैंक यू। गाइस नीचे शायद एक कमरा है और ऊपर शायद दो कमरे हैं, तो हम लोग अपने अपने कमरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपना कमरा ढूंढने। गाइस चंद्रकांत का पता चल गया। कहाँ है वो? इन दो शराब की बोतलों में। भाई साहब ने रात को ज्यादा पी होगी और आप कहीं गएंगे मौज मस्ती करने। कमाल है, शराब पीने की आदत तो उसकी पहले से ही है, लेकिन आज तक वो इस तरह से गायब नहीं हुआ। जाने दो ना रेनू, आ जाएगा वो। मुझे जाके नहाना है, बाथरूम में पानी तो होगा ना? आई होप सो। मैं तो दिन में 3 बार नहाती हूँ,
बिना भाने के तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। अरे अरे डार्लिंग डार्लिंग सुनो 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 सुनो, अरे अरे मैं हूँ ना, अगर बाथरूम का पानी खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे लिए कुएं का पानी भर के लाऊंगा। मेरे बाहर बरामदे में एक बहुत अच्छा कुआं देखा है, वहां से तुम्हारा पानी लाऊंगा। तुम खुश तो हो ना? हाँ 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 खुश है, चलो खुश हो गई। ये देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया। ओह गॉड, इतने ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी कैसे? मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। एक बात कहूं डार्लिंग, मुझे केसर कुल्फी बहुत पसंद है। वेरी फनी। ये क्या है? भी चला गया। जी जाओ, जाकर मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आओ। इस वक्त देखो डार्लिंग, कुआं बहुत डरावना है। अच्छा, कुआं डरावना है? हाँ। तुम अगर 10 सेकंड में नहीं उठे ना तो तुम तो जानते ही हो मेरा गुस्सा कितना डरावना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। कुएं में आत्माएं भी हो सकती हैं। वेरी फनी, अगर कुएं में आत्मा है ना तो उन्हें ज्यादा टेंशन होना चाहिए। ये प्यार भी न जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इतनी रात को कुएं से पानी भरना पड़ेगा। चल जीत बेटा, जल्दी कर, अगर ज्योति नाराज हो जाएगी ना तो सब कुछ तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना गहरा पानी, अगर भगवान ना करे कोई इसमें गिर गया तो उसका तो बचना मुश्किल है। चल 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 जीत बेटा, जल्दी कर, पानी भर पानी भर और चल। ये प्यार में भी न जाने कितने दर्द सहन करने पड़ते हैं। अरे चल भाई पानी भर।
अरे यार तू है जीत, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। यहाँ खड़े क्या कर रहे तू? ठंडी के मारे कब की आ रही है, उसी के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। माचिस कहाँ चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है?
मैं कुछ नहीं होगा। राहुल आता ही राहुल कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं मरने दूंगा मुझे मेरे राहुल। राहुल तुमने ज्योति का चेहरा देखा था, वो ज्योति नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति ने उसमें कब्जा कर लिया है। वो शक्ति वापस आएगी राहुल, वो शक्ति वापस आएगी। हम सबको मार देगी, हम सब मर जाएंगे राहुल, हम सब मर जाएंगे। चुप हो जा रेनू, बंद करो अपनी मनहूस बातें। हमें एक अस्पताल लेकर जाना है, मैं जीत को फोन करता हूं। नहीं जीत मेरा फोन उठाता भी है या नहीं, वो ज्योति की इस हालत का जिम्मेदार मुझे मानता है। मैं फोन करता हूं उसको। जीत के फोन की आवाज, जीत के फोन की आवाज आ रही है यहां से। गाड़ी तो ही खड़ी, इसका मतलब गाड़ी भारी खड़ी है। रेनू गाड़ी भारी खड़ी है, इसका मतलब जीत यहीं कहीं है। मैं देख के आता हूं। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। ये क्या है? जीत का फोन यहां पर, इसका फोन यहां क्या कर रहा है? इसका मतलब यहीं कहीं होगा। जीत, जीत कहां पर है तू? बचाओ मुझे, तू वहां कैसे पहुंच गया यार? बचाओ, क्या करूं मैं, कहां फंस गया यार? बचाओ मुझे, उतरना पड़ेगा। नहीं प्रीति, राहुल को कुछ नहीं होगा। राहुल, रेनू हमें किसी भी तरह से पता यहां से निकलना पड़ेगा, यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब? यहां पर आत्माएं हैं
खूनी आत्मा है। आत्मा है? हाँ, बहुत ही बुरी आत्माएं हैं वो। उनके सर पे बाल नहीं है, उनकी आंखों में खून है। ज्योति को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया, और अमजीत को भी। क्या मतलब? जीत मर चुका है? हाँ, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की, और उसी कुएं में सारी की सारी आत्माएं रहती है। ये सब मेरी गलती है, ना मैं तुम लोगों को यहाँ लाती और ना ही ये सब होता। राहुल, हम कल का इंतजार नहीं करते, आज ही यहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी भी खराब हो चुकी है, अब किसी भी तरह हमें सुबह तक यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर हम जिंदा बचे तो ना बी पॉजिटिव, हम तीनों को कुछ नहीं होगा, किसी भी तरह हमें सुबह तक मदद मिल जाएगी। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? रेनू, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ये सब अचानक से क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई बुरा सपना देख रही हूं। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये है तो एक बहुत बुरे सपने से भी बदतर। पर खैर छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? चलो यहां से,
Ah!
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।